प्रोसेस किया जाएगा। ये हमारा प्रश्न और इसको हम लोग करके देखेंगे, है ना, और लॉजिक नहीं लगाना, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे देखो, चित्र को देखें और उत्तर दें। ये एक चित्र है, चित्र में यहाँ 15 N लिखा हुआ है, यहाँ पे A लिखा हुआ है, यहाँ 12 N। एक जगह यहाँ पर कुर्सी रखी हुई है, कुर्सी पे हिसाब किताब। देखो इसमें जोर जबरदस्ती नहीं करनी, बस इसमें इतना काम करना है, आराम से पढ़ हो जाए। ये 15 N, मतलब मैं थोड़ा सा इससे बड़ा हूँ तो मैं 15 N का, एन का मतलब होता है न्यूटन। और ये कह रहा है वस्तु में लगने बल की जो बल को नापने की जो इकाई होती है वो न्यूटन होती है। तो इधर से मैं लगाऊंगा 15 N का बल, पहले लॉजिक समझना। और ये एम्पियर लगाएगी 12 N, तो ताकत किसकी ज्यादा लगेगी? तो क्या इसका रिजल्ट क्या आएगा भाई? 15 तो मैंने लगाया, 12 उसने लगाया, तो 15 12 हाँ 15 में 12 तो एडजस्ट हो जाएंगे ना। बचेगा कौन? जाएगा। चलो लगा के देखते हैं, लगाओ उधर से। हाँ ये लगा रहा है, कौन ढोसेगा? मैं ढोसेगा, है ना, क्योंकि मैंने लगाया। क्वेश्चन दी, इधर से मैंने 15 लगाया, इधर से इसने 12 लगाया, तो 12 12 तो न्यूट्रल हो जाएंगे।